सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीडीए। मैं सनी भोसले, बच्चों आपका मेंटर, आपका एप्टीट्यूड का टीचर, आपकी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इस मंच पे। सो देखिए, जैसा कि आपको पता है, एग्ज़ाम में अब थोड़े दिन बचे हैं। सो एक एक करके फ्रॉम बेसिक टू एडवांस हम क्वेश्चंस को करेंगे, और ऑलमोस्ट मेरी कोशिश रहेगी कि मैं एक से एक आपके लिए क्वेश्चन लाऊं, और हर क्वेश्चन में एक नया कॉन्सेप्ट हो, ताकि एक लेक्चर के अंदर लिमिटेड टाइम में हम उसको एक कंप्लीट फॉर्मेट में इसको कंप्लीट कर सकें। इज दैट क्लियर? तो काफ़ी सारा हमें करना है, तो प्लीज़ 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 इसको ज्वाइन कीजिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। चलिए बच्चों, क्वेश्चन को अब हम स्टार्ट करते हैं। क्लियर है? देखिए, मैं अगर आपसे बात करूं रेशो एंड प्रोपोर्शन, व्हाट इज रेशो एंड व्हाट इज प्रोपोर्शन। देखो, अगर हम सिंपल सी बात करें, जैसे मैंने बोला बच्चों कि ए अपॉन बी मुझे दिया हुआ है 2/3। क्लियर है? मैं एक बेसिक्स बता दूं, क्योंकि इसकी बहुत ज़रूरत है, फिर हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चंस को करेंगे। और मैंने बोला बी अपॉन सी है मेरे पास, आप बोलो 4/5। इज दैट क्लियर? सो ए अपॉन बी इज 2/3 एंड बी अपॉन सी इज 4/5। सो लेट मी आस्क अ क्वेश्चन, क्या आप यहाँ से ए बी सी का रेशो या अनुपात निकाल सकते हैं बच्चों? क्लियर? उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको बी को बराबर बनाना पड़ेगा। यानी क्या करो, यहाँ पे 3 है बी और यहाँ पे 4 है, तो क्या करो, इसको 4 से मल्टीप्लाई और 4 से क्या कर दो बच्चों, डिवाइड कर दो। बिकॉज मैथमेटिक्स टर्म्स में आप कुछ भी चीज़ को अगर डिवाइड करोगे तो मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करोगे तो डिवाइड। क्लियर? और उसको क्या करो, 3/3। तो यहां से मेरा ए निकला 8 और बी कितना निकला मेरा 12। यहां से बी कितना निकला मेरा 12 और सी कितना हो गया मेरा 15। ये थोड़ा सा बेसिक बताया कि जो बच्चों ने अभी तक तैयारी नहीं शुरू की ए सी सेट की, या जिन बच्चों को थोड़ा रेशियो प्रोपोर्शन में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम है, वो इसको अच्छे से समझ पाए, हमारे साथ जुड़ सकें, कनेक्टेड हो सकें। क्लियर है? नेक्स्ट थिंग इज दैट कि अगर अब यहां पे देखो, बी यहां पे 12 है और बी यहां पे 12, तो मैं लिख सकता हूं भाई ए कितना आ गया मेरा यहां पे 8, बी आ गया मेरे पास 12 और सी मेरा कितना आ गया 15। सो क्या ये मेथड रेलेवेंट है? इज दिस मेथड इज रेलेवेंट फॉर योर एग्जाम? बिकॉज अगर मैं बोलूँ सी ए अपॉन डी ए अपॉन एफ भी मैं दे दूँ आपको, तो ये बड़ा लंबा चौड़ा मेथड हो जाएगा, कितने टर्म्स को हम बराबर करेंगे। बट अब ये नहीं करना है, मुझे क्या करना है, देखो सपोज करो मुझे दिया ए रेशो बी, ए रेशो बी दिया 2/3। ठीक है? नेक्स्ट इज बी रेशो सी, बी रेशो सी कितना दिया मुझे 4/5। आपने बस नीचे नीचे टर्म्स लिखते रहना है, और जहाँ पे मुझे कुछ नहीं दिया वहाँ पे आपने कुछ नहीं लिखना। क्लियर? जैसे मैं बात करूँ, पहली बार मुझे ए और बी का रेशो दिया है, ये दो पॉइंट्स जो मैंने बिंदी डाली है उसको रेशो अनुपात बोलते हैं। सी के बारे में कुछ नहीं दिया तो सी के नीचे कुछ नहीं लिखना। सेकेंड टर्म में मुझे बी और सी के बारे में बताया, मुझे ए के बारे में कुछ नहीं बताया। अब कुछ मत करो, इस टर्म को यहाँ लिख दो और इस टर्म को यहाँ लिख दो, तो 4 × 2 कितना हो गया 8, 3 × 6 कितना हो गया 12 और 3 × 5 कितना हो गया 15। तो 8, 12, 15, यही तो मेरा उत्तर था, देख सकते हो। सो दिस इज द बेसिक ऑफ दैट चैप्टर। इस तरह से हमने क्वेश्चंस को डिस्कस करना है बच्चों। क्लियर है? तो मैंने बेसिक्स आपको बता दिया, चलिए एक एक करके हम क्वेश्चंस के ऊपर बढ़ते हैं। क्लियर है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 1, वेरी इंपॉर्टेंट। इफ ₹782 बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स प्रोपोर्शन टू 1/2 ratio 2/3 ratio 3/4, देन द फर्स्ट पार्ट इज, बिकॉज रेशो प्रोपोर्शन को यूज करेंगे परसेंटेज में, ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आएंगे ना मेरे, वो परसेंटेज ही निकलते हैं, बट उसमें रेशो एंड प्रोपोर्शन का पूरा पूरा यूज़ होता है, तो इस चैप्टर को प्लीज़ अच्छे से करिएगा। क्लियर है? अब 782 भी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट प्रोपोर्शनल टू 1/2। देखो मेरी बात सुनो, ए रेशो बी रेशो सी कितना दिया मुझे 1/2 ratio 2/3 ratio 3/4, ये दिया। देन द फर्स्ट पार्ट इज, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, जब भी ऐसा क्वेश्चन या प्रश्न हो ना, आपने क्या करना है, आपने डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना है, मतलब 3, 4 और 2 का एलसीएम ले लो। तो 3, 4 और 2 का एलसीएम मेरे पास 12 आ गया, तो इन दो तीनों टर्म्स को 12 से मल्टीप्लाई कर दो (x)12, तो ये कितना हो गया 6, 4 × 2 = 8 और 3 = 9। तो मेरे पास ए बी और सी का रेशो कितना आ गया 6, 8 और 9। इज दैट क्लियर? तो 6, 8 और 9 आर द माई रिस्पेक्टिव रेशोज। क्लियर है? अब मैं क्या करूंगा, देखो क्वेश्चन में अब मुझे क्या बोला गया है, अगर इसको पी ले लूँ 6p 8p एंड 9p। सो अगर मैं बात करूंगा टोटल कितना मेरे पास 6p + 8p + 9p, और इसकी बेटा वैल्यू कितनी है मेरे पास 8, 9, 17 और 23, तो इसकी वैल्यू कितनी दी है 782। तो 23p = कितना 782, तो पी की वैल्यू कितनी आ गई आई थिंक 34। क्लियर?
क्योंकि 69 और फिर मेरे पास जो बचेगा हो जाएगा 4 से, क्लियर है। सो 34 इज द राइट टर्म, इज दैट क्लियर। सो अब मुझे देखो क्या दिया वो क्वेश्चन में, मुझे क्या दिया क्वेश्चन में देखते हैं एक बार। चलिए नेक्स्ट, अब मुझसे पूछा गया क्या, फर्स्ट पार्ट इज, तो फर्स्ट पार्ट इज 6p, 6p मीन्स 6 इंटू 34, 180 प्लस 24 कितना हो गया, सो 204, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, इज दैट क्लियर। सो 204 मेरा बिल्कुल सही उत्तर है बच्चों इस प्रश्न का, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ मैं, क्लियर, होपफुली क्लियर होगा आप सबको। चलिए, अ मिक्सचर कंटेन अल्कोहल एंड वाटर इन द रेशो 4:3, इफ 5 लीटर वाटर इज एडेड टू द मिक्सचर द रेशो बिकम्स 4:5, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ एल्कोहल इन द गिवन मिक्सचर। प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन, ट्राई कीजिए बच्चों इस क्वेश्चन को जरा। चलिए, अ मिक्सचर कंटेन अल्कोहल एंड वाटर इन द रेशियो 4:3, यानी अगर मैं अल्कोहल और वाटर की बात करूं वो कितना है 4:3। देखो वो क्या कह रहा है, इफ 5, मैं दो तरीके से बताऊंगा आपको, रेशो से बताऊंगा और नॉर्मल वे से बताऊंगा। मैंने बोला अल्कोहल 4p है और वाटर मेरा 3p है, वो क्या कह रहा है भाई 5 लीटर वाटर, यानी अब मेरे पास क्या हो गया 4p और ये कितना हो गया 3p प्लस 5, क्लियर है। और ये रेशो कितना दिया मेरे पास 4:5, यानी मैं बात करूँ 4p अपॉन 3p प्लस 5 इज इक्वल टू 4/5। सो बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 20p इज इक्वल टू 12p प्लस 20, सो 20p माइनस ऑफ 12p इज इक्वल टू 20, सो 8p इज इक्वल टू 20, तो p कितना आ गया मेरा 20/8, 4 × 5 = 20, 4 × 2 = 8, तो p की वैल्यू कितनी आ गई 5/2। तो फाइंड द क्वांटिटी ऑफ एल्कोहल इन द गिवन मिक्सचर, तो बेटा एल्कोहल कितना है मेरे पास 4p, तो 4p कितना आ गया मेरे पास 4 × 5/2, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए 10 लीटर, क्लियर। ये तो हो गया मेरे पास एक वेरिएबल मेथड ऑफ डूइंग दिस क्वेश्चन, क्लियर है। अगर मैं इसको वेरिएबल मेथड से ना करना चाहूँ तो मैं इस क्वेश्चन को कैसे करूँगा, अगर मैं इसको वेरिएबल मेथड से ना करना चाहूँ बच्चों तो इस क्वेश्चन को मैं कैसे करूँगा बताएंगे प्लीज। देखो दूसरा मेथड है मेरा रेशो मेथड, देखिए क्वेश्चन इज, पहले मुझे क्या दिया है एल्कोहल और वाटर दिया किस रेशो में 4:3, उसके बाद आपने क्या किया प्लस 5 लीटर वाटर ऐड किया तो आपके पास एल्कोहल वाटर का रेशो कितना आ गया 4:5, 4:3 और 4:5, इज दैट क्लियर। अब मेरी बात ध्यान से सुनो बच्चों, इसका मतलब देखो एल्कोहल अगर पहले भी 4 यूनिट था अभी भी 4 यूनिट है, बट मेरे पास वाटर पहले 3 यूनिट था, अब कितना हो चुका है 5 यूनिट, यानी कितने का इंक्रीमेंट आया 2 यूनिट का, क्यों, क्योंकि 5 लीटर आपने इसमें ऐड किया, तो 2 की वैल्यू कितनी आ गई 5, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई मेरे पास 5/2 लीटर। तो मुझे किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी बच्चों, मुझे 4 की वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो 5/2 × 4, तो 5 × 2 = 10। सो दिस मेथड इज वेरी शॉर्ट मेथड, एजेस के जितने भी क्वेश्चन करते हैं हम इसी मेथड से करते हैं, क्लियर है। मैक्सिमम टाइम जो हम एजेस के क्वेश्चन करेंगे बच्चों इसी रेलेवेंट मेथड से हम करेंगे, क्लियर है। तो प्लीज नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ रहा हूँ मैं फटाफट। चलिए प्लीज डू नेक्स्ट क्वेश्चन। A sum of rupees 427 is to be divided among A, B and C such that 3 times A share, 4 times B share and 7 times C share are all equal. Then share of C is, share of C is, clear? अब देखो जरा मुझे क्या दिया है कि भाई A plus B plus C के पास मिला के कितने रुपए हैं? A plus B plus C के पास मिला के कितने रुपए हैं? 427 रुपये हैं, क्लियर है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई 3 times of A share, 4 times of B share
एंड सेवन टाइम्स ऑफ सी शेयर आर इक्वल. इसका मतलब मैं क्या बोलूँगा, थ्री टाइम्स ए इज इक्वल टू फोर टाइम्स बी इज इक्वल टू सेवन टाइम्स ऑफ सी. मैंने मान लिया इट दिस इज के, डायरेक्टली भी बताऊँगा बट पहले समझिए इसको, इसको आपने सॉल्व कैसे करना है. क्लियर है? सो बेटा थ्री ए कितना मेरे पास, के तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, के बाई थ्री. फोर बी कितना है मेरे पास, के तो बी कितना आ गया मेरे पास, के बाई फोर. तो सेवन सी कितना है मेरे पास, के सी कितना आ गया, के बाई सेवन. इज क्लियर? तो सी की वैल्यू कितना है, के बाई सेवन. तो बेटा मेरे पास ए रेशो बी रेशो सी कितना आया, के बाई थ्री, के बाई फोर एंड के बाई सेवन. इज क्लियर? सो दीज आर माई को प्राइम नंबर. तो के को कैंसिल आउट करो सबसे पहले, कितना बचा मेरे पास, वन बाई थ्री, वन बाई फोर एंड वन बाय सेवन. क्लियर? अब मुझे क्वेश्चन में क्या दिया है, मुझे क्वेश्चन में ये दिया है कि भैया इनको मिला गया 427, बट अभी भी डिनोमिनेटर में चार तीन और सात मेरे पास पड़ा हुआ. तो क्या करो, इन तीनों को एलसीएम ले लो, कितना आएगा, सात की इक्कीस, इक्कीस गुना चार 84. तो इन सब को 84 से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई बाई 84, मल्टीप्लाई 84, मल्टीप्लाई 84. तो ये कितना हुआ मेरे पास, 28. ये मेरे पास कितना हुआ, 21. और ये मेरे पास कितना हुआ, 12. यानी मैं बोल सकता हूँ दीज आर माई वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी. तो होपफुली आपको क्लियर होगा हमने कैसे किए. क्लियर है? अब नेक्स्ट थिंग इज दैट बच्चों मुझे क्या दिया है, अब सी का शेयर बताना है. अब अगर मेरे पास ये आ चुका है तो थोड़ी सी जगह बना लें इसके लिए, करने के लिए. सो देखो मुझे क्या दिए, अगर मैं ए को बोलूं 28p, 21p एंड 12p, तो ये कितना होगा, ए प्लस बी प्लस सी कितना है मेरे पास, 427. तो बेटा ये कितना होगा, 28p प्लस 21p प्लस 12p, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 427. तो ये कितनी वैल्यू होगी, 69, 70. तो 50 एक 61p, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 427. तो बेटा p की वैल्यू कितनी आ गई, अगर मैं काटूँ 7 आ गई, कटिंग करने के बाद 7. अब c का शेयर पूछ रहा है, तो c कितना है मेरे पास, 12p. सो 12 गुना p यानी 12 गुना 7 इज 84. ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. क्लियर? सो ऑप्शन नंबर ए मेरे पास बिल्कुल सही उत्तर था इस क्वेश्चन का बच्चों. तो दीज आर सम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ, मैं बेसिकली आपको कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा करवा रहा हूँ एज कम्पेयर टू थ्रेटिकल. क्लियर है? कि जहाँ से आपको एक कॉन्सेप्ट समझ आ सके कि क्वेश्चन को शुरू कैसे करना है, बिकॉज मैक्सिमम टाइप बच्चों की प्रॉब्लम यही होती है, उनको यही नहीं पता चलता क्वेश्चन का कि क्वेश्चन हमें स्टार्ट कैसे और कहाँ से कब करना है. क्लियर है? सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट मेथड्स. क्लियर है? प्लीज़ नोट कीजिए इसे. चलिए, सीट्स फॉर मैथमेटिक्स फिजिक्स एंड बायोलॉजी इन अ स्कूल आर इन द रेशो 5:7:8. देयर इज अ प्रपोजल टू इंक्रीज दीज सीट्स बाय 40%, 50% एंड 75% रिस्पेक्टिवली. व्हाट विल बी द रेशो ऑफ इंक्रीज सीट्स, बताइए कि जो आपकी इंक्रीज सीट्स हैं इनका रेशो क्या है मेरे पास. व्हाट विल बी द रेशो ऑफ इंक्रीज्ड सीट्स, चलिए. सीट ऑफ मैथ फिजिक्स एंड बायोलॉजी इन अ स्कूल आर इन द रेशो 5:7:8. देखो मुझे दिए मैथ्स, फिजिक्स एंड बायोलॉजी, मैथ्स फिजिक्स एंड बायोलॉजी, ठीक है, इन अ स्कूल आर इन द रेशो 5:7:8. तो ये है मेरे पास 5, ये 7:8, ठीक है. मुझे अभी कुछ नहीं पता कि स्कूल में कितनी सीट है, बट रेशियो पता है कि 5
सात और आठ का अनुपात है। दीस आर देर इज अ प्रपोजल टू इंक्रीज दीस सीट बाय 40%, 50% एंड 75%। इसका मतलब क्या है कि इसको अगर मैं मान लूँ 50, इसको मान लूँ 70, इसको मान लूँ 80, चलेगा मेरी मर्जी, क्योंकि अभी भी अगर मैं किसी दो तीन नंबर्स को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करता हूँ तो उनके बीच का रेशो कभी भी चेंज नहीं होता। तो इन तीन को मैंने क्या किया, मैंने 10 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया है, क्लियर है। तो मुझे क्या बोला गया है, 40, 50 एंड 75। देखो इसका 40% कितना निकलेगा, प्लस 20, तो 50 और 20 कितना हो गया, 70। ये कितना हो गया, इसका 35 होगा, तो ये कितना हो गया, 105, ठीक है। और लास्ट वाला कितना है मेरे पास, 75%, इसका 75% होगा मेरे पास, प्लस 60, 3/4, तो ये कितना हो गया, 140। तो अब मुझे रेशियो बतानी बेटा, ठीक है। तो इसको काटो जरा, किससे काटोगे, 35 दूनी 70, 3 और 4, तो 2:3:4 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्लियर है। तो 2, 3, 4 बिल्कुल सही उत्तर है इस प्रश्न का, क्लियर आ गई बात। चलिए होपफुली तो मज़ा आ रहा है, इंटरेस्टिंग लग रहा है, लगना भी चाहिए। भाई जिन्होंने पहली बार क्वेश्चन किए हैं, प्लीज़ ध्यान से करो, PDF को डाउनलोड कर लो और अच्छे से इसको करना, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये है बहुत बढ़िया क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है एग्जाम्स में, ठीक है। जनरल एग्जाम का क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया है क्वेश्चन में, तो इसको हम एक नए मेथड जिसे एलिगेशन मेथड कहते हैं, मैं उससे करवाने वाला हूँ। पहले आप लोग इसे ट्राई कीजिए प्लीज़। इन अ जू देर आर रैबिट्स एंड पिजन्स, इफ हेड्स आर काउंटेड दे आर 340 एंड लेग्स आर काउंटेड 1060, 1060। हाउ मेनी पिजन्स आर देयर, देखो अगर मैं किसी जू की बात करूँ, सबसे पहली बात है 340 हेड, इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ मेरे पास रैबिट प्लस पिजन्स इसके बराबर है, रैबिट्स प्लस पिजन 340 के बराबर है कि नहीं है, ठीक है। इफ लेग्स आर काउंटेड दे आर 1060, देखो मेरी बात सुनो, मैं लेग्स के ऊपर देखता हूं, मैंने लिखा है रैबिट मैंने लिखा है पिजन, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, रैबिट की कितनी लेग्स होती हैं, 4, पिजन्स की कितनी लेग्स होती हैं, 2। तो अगर मैं बात करूं कि भैया रैबिट है मेरे पास, सारे के सारे रैबिट ही हैं, मैं कह रहा हूं 340 के 340 रैबिट है, तो टोटल नंबर ऑफ लेग्स कितनी होगी, 340 इंटू 4 वो कितना हो गया, 1260, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट पे मैं क्या कह रहा हूं कि अगर सारे के सारे मेरे पास पिजन है तो 340 इंटू 2 कितना हो गया, 680। बस अल्टीमेटली क्वेश्चन में क्या बोला गया, अगर मैं इन दोनों को मिला दूं तो कितनी लेग्स होंगी, ये बताओ, चीज समझ आई, ये चीज थोड़ी सी समझ आनी चाहिए आपको कि ये ऐसा है, क्लियर है। तो करो भाई इसको माइनस, ये कितना आएगा, 380, अगर ये 1180 हो 400, 380। बड़े में से छोटे को माइनस करें ऐसे, तो ये कितना आएगा, 300, सो ये कितना हुआ, 19, और ये कितना हुआ, 15, क्लियर। 19:15, इसका मतलब रैबिट अगर 19 है तो पिजन कितने थे, 15, तो मैं इसको मान लेता हूँ 19p और 15p, क्लियर है। सो 19p प्लस 15p इक्वल टू कितना, 340। 34p इक्वल टू कितना, 340। सो p की वैल्यू कितनी आ गई, 10। अगर p 10 आ गया तो मुझसे क्या पूछा हुआ है, हाउ मेनी पिजन्स, सो 15p 15 गुना 10 कितना हो गया मेरे पास, 150। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, क्लियर। सो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर था इस प्रश्न का, जल्दी से नोट कीजिए। सो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, क्लियर।
चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ रहे हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स ए एंड बी इज इन द रेशियो 3:5 एंड दैट ऑफ बी एंड सी 3:5, द सम ऑफ देयर एजेस 147, हाउ ओल्ड इज बी। देखो ए रेशियो बी कितना दिया मुझे, ए रेशियो बी कितना दिया 3:5, और बी रेशियो सी कितना दिया, ये भी 3:5 दिए। तो मैंने अभी पहले आपको शुरू में डिस्क्रिप्शन में मैंने शुरू में आपको बताया था, जब शुरू किया था मैंने कि कैसे करना है। तो यहाँ लिखे 5, यहाँ लिखे 3, तो 3 3 9, 3 5 15, 5 5 25, क्लियर। सो मेरे पास क्या है, एंड सम ऑफ देयर एजेस इज 147। तो यहाँ पे अगर मैं पी ले लूँ, सो 9p प्लस 15 प्लस 25p, यानी ये कितना हो गया 25, 14। 9p की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 147। तो b की वैल्यू कितनी आई, अगर p की वैल्यू 3 आई तो b की पूछ रहा है मेरे से 15 × 3 कितना हो गया 45। तो ऑप्शन नंबर क्या है मेरा, सी बिल्कुल सही है इसका, क्लियर है। सो प्लीज़ नोट कीजिए, होपफुली समझ आई गया होगा। चले बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलो चलते हैं। ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, इसी के अंदर रेशियो प्रोपोर्शन में आता है, ठीक है। रेशियो प्रोपोर्शन के अंडर ही मैं करवा दूंगा इसको, तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी आपको। इसी तरह के 3-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, इट विल बी एनफ। ए एंड बी इन्वेस्ट रुपीज 8,000 and 9,000 इन अ बिजनेस, आफ्टर 4 months ए विड्रॉ हाफ ऑफ हिज कैपिटल एंड 2 months लेटर बी विड्रॉ 1/3 ऑफ हिज कैपिटल, इन व्हाट रेशियो शुड दे शेयर द प्रॉफिट्स एट द एंड ऑफ द ईयर। करिए प्लीज। चलिए देखो क्या दिया है, ए और बी की बात की गई है, मैं ए की बात करूंगा, थोड़ा सा दूर लेके मैं बी की बात करूंगा, क्लियर है भाई। ए ने इन्वेस्ट किया 8,000 और बी ने इन्वेस्ट किया 9,000, क्लियर। आफ्टर 4 months ए विड्रॉ हाफ ऑफ इट्स कैपिटल। सो फर्स्ट 4 months की अगर बात करूं, ए का कितना पैसे इन्वेस्ट हुए, 8,000 × 4 यानी कितना हो गया 32,000। टू मंथ्स लेटर, इसका मतलब 2 months लेटर बी विड्रॉ 1/3 ऑफ इस कैपिटल, यानी बी ने कितने टाइम पैसे लगाए, 6 महीने, इसका 6 महीने तक 9,000 लगाया होगा, ये कितना होगा 54,000। टू मंथ्स लेटर यानी 4 + 2 = 6 इसका मतलब मेरी बात सुनो, देखो यहाँ पे अगर इसने हाफ विड्रॉ कर ले तो कितना बचा, 4,000, कितने मंथ के लिए, 8 मंथ के लिए। तो इसका मतलब ए का टोटल इन्वेस्टमेंट कितना होगा मेरे पास, 64,000, इज दैट क्लियर। और बी की बात करूंगा तो 6 महीने के लिए 90,000, और 6 महीने के लिए कितना लगेगा, 90,000 का कितना हटा दिया बेटा क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली 1/3, तो 1/3 ऑफ 90,000 इज हाउ मच, 30,000, और 30,000 हटा दिया तो कितना बचा मेरे पास, 6,000, इट इज 9,000 नॉट 90,000। तो ये कितना हो गया 36,000, तो ये कितना हो गया भाई, ये हो गया 90,000, क्लियर। और ये कितना होगा, 64,000। अब मुझे क्या करना है, मुझे इनका रेशो निकालना है सीधा सीधा, ये बोल रहे हैं, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट का रेशो होता है ना बच्चों, वही प्रॉफिट का रेशो होता है। तो इन्वेस्टमेंट का रेशो 64:90, तो कितना आ गया, 32:32 कितना हो गया, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्लियर है। 32:45 इज द राइट आंसर, क्लियर। चलिए नोट कीजिए प्लीज, नेक्स्ट पे चलेंगे फिर। चलिए बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफी इंटरेस्टिंग भी क्वेश्चन है, करिए इसको जरा। द इनकम ऑफ 2% ए एंड बी आर इन द रेशियो 3:3, 3:4,
इफ ईच सेव्स रुपीज 100 पर मंथ द रेशो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 1:2 फाइंड देयर इनकम। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करिए। देखो क्या करना है, कुछ नहीं करना। देखो मेरे पास होता क्या है, अगर मैं इनकम की बात करूं वो कितना होता है मेरे पास, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स, यानी जो पैसा आपने खर्च दिया प्लस जो बचा वो आपका टोटल इनकम कहलाता है। क्लियर है? देखो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, I1 इज इक्वल टू E1 प्लस S1, तो I2 कितना होगा मेरा, E2 प्लस S2। क्लियर? देखो अब मुझे क्या कह रहे हैं, इनकम किस रेशो में, I1 रेशो I2 क्या दिया हुआ, वो दी हुए 3:4 भी, बिकॉज अगर मैंने दोनों ही वेरिएबल ले लिया ना काम गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो I1 कितना है मेरा 3P, एक्सपेंडिचर 1, अभी मैं कुछ नहीं लिख रहा, सेविंग्स कितनी 100, सो ये कितना 4P इज इक्वल टू E2 प्लस 100, तो 3P माइनस 100 इज इक्वल टू E1, 4P माइनस 100 इज इक्वल टू E2। अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूं, E1 बाई E2 कितना दिया मुझे, 1/2। यहां से क्वेश्चन पकड़ना है, सबसे पहले आपने क्या करना है, E1 अपॉन E2 निकाल लो, E1 E2 निकल गया, उसके बाद आपने सिर्फ E1 E2 की वैल्यू पुट कर देनी जो भी रेशो में दी हुई है, जैसे यहाँ पे कितने दिए 1/2, तो जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये कितना आएगा 2 × 3P - 100 इज इक्वल टू 4P - 100, सो ये कितना हो गया 6P - 200 इज इक्वल टू 4P - 100, तो बेटा ये कितना आ गया 6P - 4P - 100 + 200, तो 2P कितना आ गया, सो P कितना आ गया 50। अगर P 50 आ गया तो मेरे पास इनकम्स कितनी है 3P यानी 150, 4P यानी 200, तो 150 एंड 200 ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर स्टूडेंट। क्लियर? सो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, काफ़ी भारी भरकम क्वेश्चन था ये, क्योंकि पैसों की बात की गई थी भैया, पैसों का क्वेश्चन तो भारी भरकम ही होगा। चलो नोट कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें देखते हैं। देखिए 64 गर्ल्स एंड 64 बॉयज एंड 40 गर्ल्स फॉर्म अ ग्रुप ऑफ सोशल वर्क ड्यूरिंग द मेंबरशिप ड्राइव, द सेम नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स ज्वाइन द ग्रुप, हाउ मेनी मेंबर्स डज द ग्रुप हैव नाउ इफ द रेशो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इज 4:3 इज 4:3। करिए चलिए देखिए उसने क्या बोला, 64% 40 गर्ल्स फॉर्म अ ग्रुप ऑफ सोशल वर्क ड्यूरिंग देयर मेंबरशिप ड्राइव द सेम नंबर ऑफ बॉयज एंड सेम नंबर ऑफ गर्ल्स ज्वाइन द ग्रुप, हाउ मेनी मेंबर्स डज द ग्रुप हैव नाउ, मतलब आपको बताना है आफ्टर एडिशन नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स कितने बचेंगे और रेशो कितना दिया है 4:3। देखो मेरे पास बॉयज और गर्ल्स का रेशो कितना है, क्लियर? बॉयज और गर्ल्स का रेशो कितना 64:40। हाँ मैंने बोला कि पी नंबर ऑफ बॉयज एंड पी नंबर ऑफ गर्ल्स मैंने ऐड कर दिए, तो 64 प्लस पी रेशो 40 प्लस पी। क्लियर? अब रेशो कितना रह गया मेरे पास 4:3 यानी कितना हो गया 64 प्लस पी अपॉन 40 प्लस पी इज इक्वल टू कितना 4/3, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई देम, सो ये कितना हो गया 192 प्लस 3P इज इक्वल टू 160 प्लस 4P, तो बेटा 4P माइनस 3P इज इक्वल टू 192 माइनस 160 32, यानी P की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास
पी की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 32। अब मेरी बात ध्यान से सुनो जरा, अगर पी की वैल्यू 32 आ गई तो अब मुझे कुछ नहीं करना, मुझे अब कुछ भी नहीं करना है। अब सिर्फ इतना सा करना है कि मेरे पास टोटल पहले कितने थे 104 और 32 ऐड हुए हैं बॉयज और 32 ऐड हुई हैं गर्ल्स, तो 64 + 4 सो 168। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर ए मेरा बिल्कुल सही उत्तर है बच्चों इस प्रश्न का। तो बढ़िया मजा आया होगा क्वेश्चन करके, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आए भी हुए हैं आपके एक दो। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। चलिए ऐसा क्वेश्चन मैंने अभी भी करवाया, प्लीज ट्राई कीजिए। चलिए हाँ, लीटर और सॉरी अ मिक्सचर कंटेन एल्कोहल एंड वाटर इन 4:3। इफ 5 लीटर ऑफ वाटर इज एडिड टू द मिक्सचर द रेशियो बिकम्स 5:6। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ एल्कोहल इन द मिक्सचर। देखो मेरे को क्या दिए, मुझे लग नहीं रहा इनमें से कोई आंसर है मेरा। चलो एल्कोहल एंड वाटर किस रेशो में है, 4:3। क्लियर? 5 लीटर ऑफ वाटर यानी अब कितना हो गया 4p 3p + 5 द रेशो बिकम्स 5:6 यानी 4p / 5 = 5/6 क्रॉस मल्टीप्लाई करो सो 24p = 15p + 25 तो ये कितना हो गया 24p - 15p = 25 सो 9p = 25। पी की वैल्यू कितनी है 25/9। तो मुझसे क्या पूछ रहे हैं एल्कोहल, तो ये कितना 4 × 25 कितना आ गया 100/। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा डिफाइन नहीं हो आपके पास आंसर कि प्रॉपर नंबर में। क्लियर आगे बात? चलिए बढ़िया क्वेश्चन था, नेक्स्ट पे चलें। नोट कीजिए, चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन बच्चों। चलिए चलिए द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन एन आर्मी सिलेक्शन प्रोसेस द रेशो सिलेक्टेड टू अनसिलेक्टेड कैंडिडेट्स वाज 6:1। देखो अगर मैं सिलेक्टेड की बात करूं और अनसिलेक्टेड की बात करूं तो क्या टोटल मेरे पास सिलेक्टेड प्लस अनसिलेक्टेड होंगे? सोचिए, चलिए उसने क्या बोला कि सिलेक्टेड अगर 6 हैं तो अनसिलेक्टेड कितने हैं 1, तो पी ले लूं तो टोटल कितने होंगे मेरे पास 7p। एग्जैक्टली टोटल कितने होंगे 7p। अब वो क्या करें, इफ 30 हैड लेस अप्लाइड, यानी अगर मैं बोलूं 7p - 30 होते इज इक्वल टू एंड 10 लेस सिलेक्टेड यानी 6p - 10, तो इसको अगर मैं अभी k मान के चलूं तो ये k कितना आएगा मेरे पास 7p - 30 - 6p + 10 इज इक्वल टू k। सो k कितना आ गया मेरे पास p - 20 यानी ये क्या आ गया मेरे पास p - 20। सिंपल। अब वो क्या कह रहे हैं, द रेशो ऑफ सिलेक्टेड टू अनसिलेक्टेड वुड हैव बीन 7:1 यानी सिलेक्टेड टू यानी 6p
माइनस टेन अपॉन पी माइनस ट्वेंटी इजिकल टू कितना आएगा मेरे पास, सात बटा एक। बस इतना सा क्वेश्चन था, फटाफट सॉल्व करके आंसर बताइए मुझे कितना। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सिक्स पी माइनस टेन इजिकल टू सेवन पी माइनस वन फोर्टी, तो सेवन पी माइनस सिक्स पी, सेवन पी माइनस सिक्स पी सो माइनस टेन प्लस वन फोर्टी, सो पी कितना आ गया मेरे पास 130। तो क्या पूछा, हाउ मेनी कैंडिडेट हैव अप्लाइड फॉर द एग्जाम प्रोसेस, सात गुना 130 कितना आ गया, ऑप्शन नंबर ए 910। तो काफ़ी घुमावदार प्रश्न था, अच्छा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब बैग कंटेंस 50 पैसे 25 पैसे 10 पैसे कॉइन्स इन द रेशो 5:9:4 अमाउंटिंग टू 5:9:4 अमाउंटिंग टू 2 रुपीज़ 206, फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ईच टाइप रिस्पेक्टिवली। चलिए वो क्या कह रहा है कि भाई एक बैग है, उसने क्या किया 50 पैसे 25 पैसे 10 पैसे कॉइन है, यानी 50 पैसे का कॉइन है, 25 पैसे का कॉइन है और 10 पैसे का कॉइन है, ठीक है, किस रेशो में है, 5K 9K एंड 4K। अब एक बात बताओ, देखो ये मुझे रुपीज़ दिए तो इस सारे को भी रुपीज़ में चेंज कर लो, 50 पैसे का मतलब कितना हुआ 1/2 रुपये, तो टोटल कितना होगा, ये 1/2 × 5/5K तो 5/2K, 1/4 होगा तो 9/4K और ये कितना होगा 4/10K। क्लियर, तो इतनी सी बात है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है मुझे कि भाई अगर मैं इसकी बात करूं ये कितना हो गया 2.5K प्लस 2.25K प्लस 0.4K बराबर किसके है, ये 206 हो गया, तो ये कितना हो गया, देखो 2 2 4 4 प्लस 0.5 0.75 प्लस 0.40 तो 4K, तो 4 प्लस 1.15K इज इक्वल टू 206। तो फटाफट K की वैल्यू बता दो, तो 5.15K इज इक्वल टू 206, सो K की वैल्यू कितना है 206 डिवाइडेड बाय कितना, फटाफट बताइए K की वैल्यू कितनी, जल्दी से जल्दी से K की वैल्यू बता दो बच्चों, कितनी है मेरे पास, चलिए अगर मैं ध्यान से देखूं, देखो कुछ नहीं करने की जरूरत, बड़ा आसान सा है, इसको तोड़ दो, इसको मैं लिख सकता हूं 200 + 6, इसको अगर आप डिवाइड करोगे 5.15 से तो ये कितने पे गया 40 पे, कितना गया 4 पे, तो ये कितना हो गया आपके पास, K की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 40। तो अब आपको क्या निकालना है, ये तो निकालना है, ये आ गया 200, ये आ गया 360 और ये कितना आ गया 160, तो 200 360 160 ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियरली, चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेशो ऑफ द एज ऑफ टू बॉयज इज 3:4 आफ्टर 3 ईयर्स द रेशो विल बी 4:5। देखो मुझे ए रेशो बी दी है 3:4 और वो कह रहा है 3 साल के बाद कितना हो गया 4:5। देखो यहाँ पे भी एक का गैप है, यहाँ पे भी एक का गैप है, ये भी एक बढ़ रहा है, ये भी एक बढ़ रहा है, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 3। देयर एज इज आफ्टर 21 ईयर्स, तो पहले प्रेजेंट एज निकाल लो, तो 4 की वैल्यू कितनी आ गई 12, 3 की वैल्यू 9, तो 9 में कितना जोड़ोगे 21, कितना हो गया 30, इसमें भी 21 जोड़ दो कितना हो गया 33, तो कितना आ गया 10:11, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इज दैट क्लियर, सो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस वी ऑलरेडी डिड, ओके। चलिए चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू ईच ऑफ, यानी व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू ईच 4, 16, 18 एंड 58 सो दैट द रिजल्टेंट नंबर्स विल बी इन प्रोपोर्शन इन द गिवन ऑर्डर। इसका साफ साफ मतलब क्या है क्वेश्चन का, कि जैसे मैं बात करूं क्वेश्चन का पहले मतलब समझिए फिर हम इसको करेंगे, जैसे 2/4 है इजिकल टू क्या होना चाहिए
4 अपॉन 8, यानी कि 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 1 अपॉन 2। ऐसा करके मेरे पास प्रोपोर्शन, मतलब लेफ्ट साफ साफ बात यह है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड मेरे पास बच्चों बराबर हो जाने चाहिए। ठीक है, देखिए नेक्स्ट देखिए। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जैसे मेरे पास 4 है अपॉन 16 है इज इक्वल टू कितना, मेरे पास 18 है अपॉन कितना है 58 है। क्लियर है की बात। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि इनमें क्या मैं ऐड करूं। सपोज कीजिए मैं कहता हूं मैंने पी ऐड किया, इसमें मैंने पी ऐड कर दिया, मैंने इसमें भी पी ऐड कर दिया और इसमें भी मैंने क्या ऐड कर दिया बच्चों, पी ऐड कर दिया। अब दो मेरे पास ऑप्शन है इस क्वेश्चन को करने के लिए, या तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके वो एक बड़ी सी इक्वेशन बना लूं, ठीक है, या मैं छोटा सा काम करूं जैसा माइक्रो कोर्सेज में किया गया कि छोटी छोटी चीजों पर काम करो, और इसी तरीके से यहां पर मैं ऑप्शंस पे काम करूं। सपोज करो मैं क्रॉस, क्योंकि अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने का खतरा हमेशा बना रहता है, तो वो तो निग्लेक्ट ही कर दो, नहीं करना। इसके बाद आप डायरेक्टली ऑप्शंस पे जाइए और पुट करना स्टार्ट कीजिए बच्चों। जैसे सपोज करो वैसे पी मैंने इसके टू पुट किया, पहला ऑप्शन मेरा यही है, क्योंकि ये जो सारी वैल्यूज ये ना 2, 3, 4, 1 ये सारी की सारी मेरी कॉन्स्टेंट या वेरिएबल पी की वैल्यू है जो मेरे पास दिया हुआ है। डन, तो 4 प्लस 2 अपॉन 16 प्लस 2 बराबर है 18 जमा 2 बटा 58 प्लस 2, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 6 अपॉन 18 इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय 60, यानी ये कितना होगा 1/3, और ये भी कितना हो गया, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड है, तो ए मेरा जो मेरा आंसर था वो क्या है मेरा, ऑप्शन नंबर ए 2। समझ आ गई बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका बहुत शानदार क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन है बेटा आपका यूपीएससी 2021 में आया हुआ आपका एग्जाम का क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैं जैसे अभी पूरे प्रॉपर हम क्वेश्चन कर रहे हैं, तो जो क्वेश्चन आपके मैंने पहले कराए वो भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड ही थे, बट ये एक्चुअली में क्वेश्चन है जो आपके पेपर में आया था 2021 में यूपीएससी में, ठीक है। अ स्टूडेंट अपीयरेंस 6 मार्क्स, ये 6 पेपर्स, द मैक्सिमम मार्क्स आर सेम फॉर ईच पेपर, हिज मार्क्स इन द प्रीवियस पेपर आर इन द प्रोपोर्शन 5, 6, 7, 8, 9 and 10, ओवरऑल ही सिक्योर्ड या स्कोर्ड 60% मार्क्स इन हाउ मेनी नंबर ऑफ पेपर्स डिड ही स्कोर लेस देन 60% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, अप्रोच कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, बिकॉज मेन जब भी आप कोई पेपर देते हो ना, खासकर सी सेट का जब आप एग्जाम की बात करोगे, यहाँ पे आपके अप्रोच बहुत मैटर करती है। आप उस क्वेश्चन को देख कैसे रहे हैं, क्या आप उस क्वेश्चन को लैंग्वेज बेस्ड देख रहे हैं, क्या आप उस क्वेश्चन को कैलकुलेशन बेस्ड देख रहे हैं। बट मैं अगर बात करूँ अपनी, तो मैं एक क्वेश्चन को सिर्फ क्वेश्चन के प्रस्पेक्टिव में देखूंगा, मैं ये नहीं देखूंगा कि एक लाइन का कि दो लाइन का तीन लाइन का, जरूरी नहीं है कि अगर वो 4 से 5 लाइन का तो वो कठिन या डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा, इजी क्वेश्चन होगा। कैसे होगा मैं बताता हूँ, देखो अ स्टूडेंट अपीयर इन 6 पेपर्स, द मैक्सिमम मार्क्स आर सेम फॉर ईच पेपर, हिज मार्क्स इन दीज पेपर आर इन द प्रोपोर्शन, याद रखना ये क्या है मेरे पास, मार्क्स, मार्क्स है बच्चों ये मेरे पास, समझ आ गया। मैंने माना लेट, सबसे आसान चीज, मैक्सिमम मार्क्स फॉर ईच एग्जाम इज गुड, मैं कहता हूं बच्चों 100 मार्क्स पर पेपर है, तो इस हिसाब से टोटल मार्क्स कितने हुए मेरे पास, टोटल मार्क्स इन ऑल 6 सब्जेक्ट्स वो कितना हुआ मेरे पास, 6 × 100 इज गुड कितना हो गया 600। डन, अब देखो अब क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, ओवरऑल ही सिक्योर्ड 60% मार्क्स, मतलब मार्क्स सिक्योर्ड कितने मेरे पास, अगर मैं बात करूं दिस इंप्लाइज मार्क्स स्कोर्ड वो किसके बराबर है, 60% ऑफ 600 यानी 60/100 इंटू ऑफ 600 यानी कितना होगा, 60 × 6 कितना हुआ, यानी एक्चुअली में उस बच्चे के स्टूडेंट के जितने मार्क्स आए वो कितने हैं 360। अब वो क्या कह रहा है, किस में प्रोपोर्शन है, मैं कहता हूँ 6 सब्जेक्ट्स हैं मेरे पास, पहले में आए 5, दूसरे में 6, तीसरे में 7, फिर 8, फिर 9 और अंत में 10। मैं कहता हूँ ये 5P था, 6P था, 7P था, 8P था, 9P था और 10P था। डन,
अब क्वेश्चन साफ साफ क्या कह रहा है कि भाई ये मार्क्स सिक्योर्ड है, यानी अगर मैं मार्क्स की बात करूं, ये क्या मेरे पास मार्क्स, वो कितना हो गया देखो, 19, 8, 27, 7, 34, 6, 40 और 5, 45, यानी 45 पी मार्क्स हो गए। अगर मैं रेशो की बात करूं जोड़ने में, 45 पी मैंने एक कॉन्स्टेंट वैल्यू डाली, तो क्या 45 पी मेरा किसके बराबर होगा, 360 के, बिकॉज एक्चुअल मार्क्स यही है। तो ऐसे पी की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 8। अगर पी की वैल्यू 8 आ गई तो बस यहाँ पुट कर दो, आपने कुछ भी नहीं करना। अगर पी की वैल्यू मेरे पास ये आ गई तो मेरे पास देखो मार्क्स कितने कितने आ गए मेरे पास। अगर मैं बात करूँगा 8 5 40, क्या दिख रहे हैं, बिल्कुल दिख रहे, 8 6 48, 8 7 56, 8 64, 72 और 8 10 80, डन, 64 72 और 80, क्लियर। अब क्वेश्चन में स्टूडेंट्स क्या कह रहे हो मेरे को बच्चों, वो कह रहे हैं कि इन हाउ मेनी नंबर्स ऑफ पेपर डिड ही सिक्योर लेस देन 60% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स। इसका मतलब 60% ऑफ 600 कितना था मेरे पास, या 60% ऑफ 100, मतलब ईच की बात कर रहा है वो, ऑफ 100 यानी कितना, 60 मार्क्स से कम कितनों में भाई, एक में, दो में और तीन में, तो आंसर कितना आ गया मेरा, ऑप्शन नंबर बी 3। बताओ क्या मुश्किल था इस क्वेश्चन में। बट अगर आप एक सोच लेके चलेंगे ना कि हाँ ये क्वेश्चन मुश्किल है यार, तो मुश्किल है मुझसे कैसे होगा, तो कभी भी नहीं होगा। और अगर आपको ये फील आता है ना कि भाई कैसे होगा, तो माइक्रो कोर्स के थ्रू होगा बच्चों, मैं अभी बता रहा हूँ, लिख के दे सकता हूँ। डेली की कितनी सारी इंक्वायरीज आती है, कितने सारे बच्चे परचेज करते हैं, कितने सारे बच्चे खुश होते हैं इसको लेके। रीज़न क्या है, ये एक नया कॉन्सेप्ट है, नई लर्निंग है अभी PDF माइक्रो कोर्स, ठीक है बच्चों। तो प्लीज़ स्टूडेंट इसको लीजिए और आनंदित महसूस कीजिए, क्योंकि बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, छोटी छोटी चीज़ें हैं। 50-100 रुपये का टॉपिक मैं भी दिखाऊंगा तो आपको मज़ा आएगा, हंसोगे। बल्कि बच्चे की बार कॉल करते हैं, सर ये इतना बड़ा टॉपिक और सिर्फ इतने रुपए का है, क्यों? फिर मैं कहता हूँ भैया बच्चों तुम बस सिलेक्शन ले लो, बाकी छोड़ दो, बाकी छोड़ो, हमें क्या बन रहा है क्या नहीं मिल रहा छोड़ो उस बात को, तुम खुश रहो यार, मजे करो जिंदगी के, अफसर बनो, फिर हमारे पास आओगे, सर इसने मेरा फायदा कराया, यहीं पर इंटरव्यू करवाऊंगा आप लोगों का, समझ रहे मेरी बात, यहीं पर बताना आके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इधर पढ़ते हैं। चलिए एक और UPSC का क्वेश्चन है, 2020 में आया हो ये क्वेश्चन, तो मेरे ख्याल से अब आप कर लोगे, बिकॉज शुरू में हमने ऐसा क्वेश्चन किया था, जहां तक मुझे लग रहा है नहीं किया था तो अब कर लेंगे। अ सम ऑफ रुपीज 2500 इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग एक्स वाई एंड जेड इन टू रेशो, इन द रेशो, नॉट टू रेशो, इन द रेशो 1/2 रेशो 3/4 रेशो 5/6, वट इज द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम शेयर एंड द मिनिमम शेयर। बताओ भाई मैक्सिमम शेयर चीते में और मिनिमम शेयर चीते में कितना फर्क है ना, मैं तो शेयर को शेयर चीता ही बोलता हूँ। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, मुझे क्या दिया भाई, एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना है मेरे पास, 2500 है, यही दिया। वो कह रहा है एक्स के पास कितना है बेटा, 1/2, वाई के पास कितना है बच्चों, 3/4 और जेड के पास कितना है, 5/6। अगेन आई एम टेकिंग पी एज अ कॉन्स्टेंट वैल्यू, बिकॉज मुझे ये निकालनी पड़ेगी, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्योंकि कई बार मल्टीप्लाई भी पूछ लेता तो पी स्क्वायर का कॉन्सेप्ट आता है, इसलिए हर बार मैं यहाँ पे कोने की कॉन्स्टेंट वैल्यू पुट कर लेता हूँ। देखो 6 4 और 2 का एलसीएम कितना आएगा, 6 4 और 2 का एलसीएम कितना आएगा, 12, तो इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दो, सिक्स पी, 9 पी और 10 पी, इसका मतलब एक्स की वैल्यू कितनी है मेरी, 6 पी, वाई की 10 पी और जेड की कितनी है, 10 पी, तो तीनों को मिला के कितना बच्चों, 2500, यानी 6 पी प्लस 9 पी प्लस 10 पी की वैल्यू कितनी है, 2500, तो ये कितना हो गया, 19 6 25, यानी 25 पी की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 2500 और पी की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 500, ठीक है बेटा। तो मुझे क्या कह रहा है, वट इज द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम शेयर एंड मिनिमम शेयर। देखो मैक्सिमम कितना है, 10 पी, मिनिमम कितना है, 6 पी, और सॉरी 500 नहीं, 100, तो मेरे पास कितना डिफरेंस आ गया, 4 पी, यानी 4 पी का मतलब 4 × 100, ये ठीक कर लीजिएगा, 100 है ना कि 500, तो कितना आ गया, ऑप्शन नंबर सी 400 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो मजा आया होगा, देखो मैंने शुरू में आपको थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चंस करवाए, ताकि जब हम बाद में क्वेश्चंस को करें ना तो आपको बड़ा मजा आए। अब देखो दो क्वेश्चंस थे,
ये आपके प्रीवियस ईयर के 2020 का है कि 21 का है। तो दीज आर वेरी सिंपल क्वेश्चन बिकॉज आपने एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन को कर लिए और ऐसे ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट आपके अभी पीडीएफ माइक्रो कोर्सेज के अंदर बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं, बहुत निराला है, बहुत प्यारा है, सबसे अलग है ये, समझिए इस बात को। चलिए अब मैं बात करूंगा अभी पीडीएफ माइक्रो कोर्सेज की, ठीक है बेटा। अभी पीडीएफ माइक्रो कोर्सेज की मैं थोड़ी सी आपसे बात करना चाहूंगा। अब वट इज अभी पीडीएफ माइक्रो कोर्स, इसका लिंक तो डिस्क्रिप्शन में होगा ही आपके पास, आ जाएगा आपके पास, ठीक है। देखिए अगर मैं बात करूं चूज एग्जाम, हाँ सिविल सर्विसेज सीसेट, ठीक है, सब्सक्रिप्शन है, वीडियो कोर्सेज है, टेस्ट कोर्सेज एंड माइक्रो कोर्सेज है, सो वी हैव टू गो टू माइक्रो कोर्सेज। बेटा अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई भी समस्या आती है किसी चीज़ को लेके, तो आप यहाँ पे 10 डिजिट का अपना मोबाइल नंबर डालिए, आप कॉल मी या व्हाट्सएप पे इसको कर सकते हैं, सो दैट हमारी टीम आपके साथ जुड़े और आपसे संबंधित क्वेरी को या आपकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट कर पाएँ, ठीक है। देखिए अब जैसे मैथ एंड मेंटल एबिलिटी की बात करूँगा मैं, दो तीन बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें बताऊंगा आपको मैं। जैसे पूरा बंडल 3657 का है, लेना लो लेना मतलब, बट जो चीज़ मैं बता रहा हूँ वो चीज़ ध्यान से सुन लो क्योंकि माइक्रो कोर्स है, ये आपके भविष्य का सवाल है, समझ आ गई बात। देखिए जैसे नंबर सिस्टम की बेटा बात करूँगा मैं, अगर मैं बात करूँ 308 रुपये का नंबर सिस्टम है, 308 रुपये का है, यहाँ पर क्या 21.88% क्वेश्चन इज मैथ एंड मेंटल एबिलिटी वर फ्रॉम दिस टॉपिक इन प्रीवियस ईयर प्रीलिम्स एग्जाम। इसका मतलब आपके प्रीलिम्स एग्जाम अगर 100 क्वेश्चन आएंगे ना तो 21.88 नंबर सिस्टम से आ रहे हैं, कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और 308 रुपये में आपके सीसेट का 20% पार्ट कवर हो रहा है मेंटल एबिलिटी मैथ्स का, समझ रहे हो बात मेरी। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है नेक्स्ट, और ये डाटा किसी के पास नहीं, मैं अभी बता रहा हूँ यहीं पर ओपनली बता रहा हूँ मैं। नेक्स्ट अगर सिंप्लीफिकेशन की बात करूँ 15.23% की बात करूँ इतना 8.9 सेम परमिटेशन कॉम्बिनेशन टाइम एंड डिस्टेंस 4.5 4.3 नंबर सीरीज और पैसे कितने हैं बेटा ये भी देख लो 116 57 145 119 153 जो कि ऑलमोस्ट ना के बराबर है। नंबर सीरीज की बात करूंगा जो सीरीज सीक्वेंस के क्वेश्चंस होते हैं 57 लाइन चार्ट की बात करूंगा सिर्फ 41 रेशियो प्रोपोर्शन 129 टाइम एंड वर्क 127 मेंस्ट्रुएशन 2D 202। तो दीज आर द सम मैंने आपको बताया क्या क्वालिटी है, क्वालिटी मैं आपको दिखा चुका और मैं आपको क्वांटिटी भी दिखा चुका। अब द बॉल इज इन योर कोर्ट, आप क्या करेंगे उससे, खेलेंगे फेंकें क्या करेंगे वो आपने देखना है, क्लियर। तो बच्चों प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलेगा बिकॉज आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो हम आपकी कुछ मदद भी कर पाएंगे। थैंक यू, प्लीज माइक्रो कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू।